डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने के विरोध में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर कराया रीवा बंद। कार्यकर्ताओं ने मोदी शिवराज विरोधी लगाए नारे। आधा बंद आधा खुला के बीच पुलिस रही सक्रिय। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित पूर्व घोषित भारत बंद के आह्वान में रीवा बंद लगभग सफल रहा। शहर के मुख्य बाजार जहां पूर्णतः बंद रहे, वहीं सब्जी मंडी, फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा आदि इलाकों में दुकानें आधी बंद आधी खुली रहीं। अपराह 3 बजे के बाद जैसे ही कांग्रेसियों का कार्यक्रम खत्म हुआ, व्यापारियों ने अपना कारोबार शुरू किया। हालांकि भारत बंद के आह्वान में रीवा बंद को सफल बंद कहा जाए तो गलत न होगा। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 10 सितंबर का भारत बंद घोषित किया था। डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का विरोध कांग्रेस ने पूरा भारत बंद कर दर्ज कराया है। इसी क्रम में रीवा बंद कांग्रेसियों के आह्वान पर आयोजित हुआ। इस बंद को सफल बनाने कांग्रेसियों की टोली विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही घूमने लगी थी। शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। वहीं कुछ नेता रिक्शा चलाते हुए जुलूस का नेतृत्व किया तो एक पार्षद व कार्यकारिणी अध्यक्ष शहर लखनलाल खंडेलवाल ने ठेले के ऊपर मोटरसाइकिल में बैठकर जुलूस का नेतृत्व किया। रीवा बंद के इस क्रम में पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने पेट्रोल पंप बंद कर रखे। वहीं बड़े व्यापारियों प्रतिष्ठानों ने भी अपने संस्थान बंद कर रखा था। पुराना बस स्टैंड पूरी तरह बंद था, जबकि नया बस स्टैंड का एक हिस्सा पूरी तरह खुला था। सामान तिराहे से लेकर सिरमौर चौराहे तक कहीं खुला कहीं बंद देखा गया। सब्जी मंडी में सब्जी दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह चला, लेकिन बाहर का मार्केट बंद रहा। अस्पताल चौराहा अमहिया में भी इक्का दुक्का दुकानें खुली रहीं, शेष बंद थीं। दोपहर 1 बजे के आसपास शिल्पी प्लाजा से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल थे। यह जुलूस प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, खन्ना चौराहा होते हुए जय स्तंभ होकर पुनः शिल्पी प्लाजा पहुँचा, जहाँ एक आम सभा भी आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जहां जमकर कोसा, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कुछ ने तो यहां तक कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती जारी है और 2 महीने बाद एक एक घोटालेबाजों को जनता के सामने लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के भारत बंद मामले में स्थानीय सोशल मीडिया भी काफ़ी सक्रिय रहा। 6 सितंबर के रीवा बंद मामले में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसका भी विरोध हो रहा था। लेकिन कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित रीवा बंद लगभग सफल रहा। कुल मिलाकर आज बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 4 दिन पुराने घटनाक्रम के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन भी खासा चौकस रहा। हर चौराहे में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था ताकि कोई अप्रिय स्थिति बनने ही न पाए। आइए मिलते हैं कुछ कांग्रेस नेताओं से जिन्होंने मोदी सरकार को इस प्रकार लिया निशाने में। जय 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 जय
बंद है, ये आम जनमानस का रीवा बंद है। आपको नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों का शासनकाल आ गया हो, उस तरह के समय चल रहा है, दमन की नीति चल रही है। यहाँ एक पागल एसपी को बिठा कर लोगों के ऊपर दमनकारी नीति चलवा रहे हैं और यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता जनार्दन सर्वे हो इस बंद का समर्थन कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। ये सत्ता परिवर्तन, ये जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं, आज जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 8 रुपये लीटर मिलने वाला मिट्टी का तेल जो गरीब का चूल्हा का 28 रुपये पार कर गया है, रोज डीजल पेट्रोल हो रहे हैं, भ्रष्टाचार इनका चरम पर है, 3000 करोड़ का भी फिर टेंडरिंग घोटाला पकड़ा गया, ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर पूरी एक अंदर आग सी लगी हुई है। तो इसके विरुद्ध पूरी जनता सड़कों पर है। ये 3 महीने के अंदर जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ के इकोनॉमिक क्रिमिनल्स जितने हैं सफेदपोश, उनका बुरा समय आने वाला है और जनता सड़कों पर उतर आई। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर डीजल पेट्रोल महंगाई के विरोध में आज ये रीवा बंद है और पूरी तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ की आम जनता ने, सभी लोगों का सहयोग है, पूरी तरह से रीवा बंद है। शहर में सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे शहर अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, सब लोग हम लोग मिलकर पूरे रीवा शहर को बंद करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार, जनता के ऊपर महंगाई की सिर मार पड़ रही है। डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जब से माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार गई है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण हर चीज महंगी हो रही है। रीवा बंद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम के वृद्धि किया है, उससे पूरे देश की जनता आज हाहाकार कर रही है। हो रही है, मोदी जी जब सत्ता पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल के गैस के दाम कम करेंगे और उनका एक नारा हुआ करता महंगाई डायन खाई जाती। तो मैं मोदी जी से और मामा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो डायन कौन सी है, वो मोदी डायन है कि मामा डायन है? वो अब रिवर नहीं, प्रदेश की और देश की जनता को खाई जा रही है। मैं मोदी जी से, मामा से आग्रह करता हूँ कि जो आपने वादा किया था उस वादे को पूरा करें, गैस पेट्रोल और डीजल के दाम पे GST लागू करें और रेट कम करें। मोदी सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से वृद्धि की जा रही है और सबसे ज़्यादा उनके अंदर एक तानाशाही स्वभाव में व्याप्त है, आप देखिए कल रात को भी उन्होंने बढ़ाया। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल्स की कीमत घट जाती है, जब UPA गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के सरकार के समय 160 तक क्रूड ऑयल गया तो भी हमने पेट्रोल को 75 रुपये से कम रखा, और आज जब क्रूड ऑयल की कीमत 70 रुपये 75 रुपये आ गई है, तब भी हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बदसूरत बढ़ाना शुरू कर दिया है और लगातार बढ़ा रही है। इससे जो पैसा मिलेगा वो मोदी सरकार को हम लोग यहाँ से भेजने का काम करेंगे। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी जब हम लोगों की सरकार थी तो आप यहाँ पर साइकिलों से निकला करते थे, विधानसभा की साइकिल से जाया करते थे। आपकी जो साइकिल खो गई है वो अब हम लोग कमा के और पैसे के माध्यम से आपको देने का काम करेंगे और आप पुनः अपनी पुरानी साइकिल अपने दादाजी को, नाना जी को दे के और निकलवाइए। मामा जी, साइकिल कहाँ गई आपकी? इस रिक्शे से कमा के हम लोग 10-10 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठा करके और नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार को, दोनों को हम लोग साइकिल भेंट करेंगे। आज पूरे देश भर में डीजल पेट्रोल में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लाल झंडे के जन संगठन आज इस बंद को कामयाब करने के लिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं और इस बंद के माध्यम से मोदी सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो महंगाई
महंगाई कम करने के वादे के साथ इस देश के अंदर सरकार में आई थी, वो इस देश के जनता के साथ कमर तोड़ महंगाई बढ़ाकर अत्याचार कर रही है, दमन कर रही है। डीजल पेट्रोल जो है लगातार बढ़ रहा है। बंद इसलिए है कि चूँकि जनता यहाँ की पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, और इतनी ज़्यादा महंगाई डीजल पेट्रोल और गैस, हर तरह की महंगाई, हर तरह के भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता उठ चुकी है और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और पूरे देश भर में बिल्कुल परिवर्तन की लहर गूंज रही है। रीवा जिला आज पूरी तरह से हमारा व्यापारी, हमारे जितने नौजवान साथी, हमारे जितने कर्मचारी, मजदूर, किसान और युवा साथी और महिलाएं, बच्चे सब इसे बंद आंदोलन में हमारे साथ हैं। आज देश की जनता ये देख रही है कि जब क्रूड ऑयल 120 रुपए था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 70 से नीचे 75 तक डीजल पेट्रोल आपको दिया इस देश की जनता को। तब यही भाजपा के लोग धरना देते थे और कहते थे कि बड़ा रेट बढ़ गया। आज आप पता कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 80-87 रुपए है। तब ये लोग 90 तक डीजल पेट्रोल का रेट पहुंचा दिए हैं। सब बैलगाड़ी और सड़कों के अंदर आते थे, आज 3-4 महीने के अंदर अंदर महंगाई डीजल पेट्रोल की कहां से कहां पहुंच गई और इनके यूजर नहीं रेंग रही। पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है ये महंगाई जो बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन हर रोज।